हाँ सर हो गया, आप देख लीजिए। हाँ कोई ठीक है, दिक्कत है तो बोल दीजिए। ठीक है सर, स्टार्ट कर दूँ सर? हाँ हाँ हेलो, ओके सर, कैसे एक बार अपना कंसेंट दे दीजिए आप लोग, स्टार्ट कर दूँ ना, प्लीज एक बार आप लोग बोल दीजिए मुझे। यस सर ओके ओके, आज हम लोग चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको सर ने बताया था, जो हमारा कंटेंट है चैप्टर वन, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस चैप्टर कंसिस्ट ओनली 2 मार्क्स। जो मैं आपको लास्ट, जो फर्स्ट क्लास था हमारा, जो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर, किस कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स आएंगे, और प्लस मैंने एग्जाम पेपर डिस्कस भी कर दिया था कि किस चैप्टर सा से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी करके बताया था मैंने, ठीक है। तो आज वो सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट भी सर के थ्रू सेंड करवा दिया था। एक मिनट, मेरे को म्यूट ऑल करने दीजिए। हाँ तो हेलो, हाँ हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये बहुत बहुत फैमिलियर टॉपिक है। आप 11, 12, इवन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, आप 4 सेमेस्टर में भी कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे, तो बहुत एक्स्ट्रा कुछ नया टॉपिक है नहीं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। आपको मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये डिफरेंस है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हर अल्टरनेट ईयर में आ ही जाता है 2 मार्क्स में। जैसे सपोज 2020 में आया तो 21 में नहीं आएगा, पर 22 में पूछ देता है। तो ये होता है ना वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो शिव का, 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो अल्टरनेट ईयर में पूछता ही पूछता है, तो 2 मार्क्स में आएगा। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में कभी भी डिफरेंस टेबल फॉर्म में नहीं लिखा रहा है। यहाँ पे तो मैं साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो टेबल फॉर्म में डिफरेंस बता रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए, साइड बाय साइड समझाने के लिए। पर एग्जाम में कभी भी डिफरेंस, चाहे लॉ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, कभी भी टेबल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझा, एक एक मिनट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है जस्ट आपको समझाने के लिए है। बाकी आप एग्जाम में टेबल फॉर्म में नहीं लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लस ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी कुछ जानते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिख दीजिए। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 करके, ठीक है। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, देन सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट कर हेडिंग डालिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बारे में जो भी जानते हैं आप लिख लेंगे। तो जो डिफरेंस होता है बेसिकली इकोनॉमिक्स और लॉ में, वो पैराग्राफ वाइज होता है, टेबल वाइज नहीं होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में आई नो आप ग्रेजुएशन के, हेलो, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करने के आ गए थे कुछ लोग, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना वो तो आपको समझ में आ गया। हाँ एग्जाम में एक चीज मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में जो आप डायग्राम वगैरह बनाओगे सब पेंसिल और स्केल से होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का को जानता हूँ जो एग्जाम में भी पेंसिल से पेन से डायग्राम बना कर आए, और बिना स्केल का, स्केल भी यूज नहीं किए, वो पेन से डायग्राम बना कर आ गए। तो आप पेन से अगर डायग्राम बनाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हेलो, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिफरेंस, पहला डिफरेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था, एग्जाम में आपको पेन पेन से लिखना और डायग्राम आपको पेंसिल से और स्केल से ही बनाना है, ठीक है। पेन से डायग्राम बिल्कुल नहीं बनेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, काट के 0 बैठा देगा। सेकंड थिंग, पेपर पेपर मार्क्स कैसे उठाना है, डायग्राम करके, डायग्राम
आप जिस क्वेश्चन में डायग्राम रहेगा, मेरा यही कहना रहेगा उसी क्वेश्चन को पिक करिए, बिकॉज अगर आप थोड़ा कम भी लिखोगे और डायग्राम आप पूरा नीट एंड क्लीन एंड परफेक्ट बनाओगे तो मार्क्स आपको फुल मिलेगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट ए हिस्ट्री, आप भर भर के लिख के चले जाए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप कम लिखो, कंटेंट आपका थोड़ा ही है, पर कोई बात नहीं, जितना आप जानते हो आपने परफेक्ट लिखा। पर अगर डायग्राम खूबसूरत बना देते हो और डायग्राम को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे क्या क्या एजम्पशन है, कौन सा कर्व कैसा कैसा है, आप टेंशन फ्री, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इतना अच्छा मार्क्स मिलता है, इसलिए जो आप सुने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, तो अच्छा मार्क्स आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा बहुत ज्यादा लिख कर आया है, नहीं, वो दूसरों से कम ही लिख कर आया, पर उसने डायग्राम एकदम एक्यूरेट डायग्राम बनाया, साफ सुथरा डायग्राम बनाया और उसको एक्सप्लेन किया, बस उसने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा सा बात बता दिया। आते हैं अपने टॉपिक्स पे, आते हैं तो जो पहला टॉपिक्स है डिफरेंस बिटवीन या मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो थोड़ा पहले जनरल डिस्कस करते हैं, बाद में अपने नोट्स पे आते हैं। जनरल डिस्कस क्या है, पहले मैं माइक्रो की बात करूँ, माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल या टाइनी, स्मॉल या टाइनी, ये सब लैटिन वर्ड है। ठीक है, देखो जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करते हैं, या पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं, या पर्टिकुलर किसी एक गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में बात करते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कंपैरिजन फॉर्म में होता है, अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में तो बहुत स्टेट है, तो मैं अगर पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात किया, दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिकॉज स्टेट का कंपेयर इंडिया से हो रहा है, राइट। अगर पूरे वर्ल्ड में मैं पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया का डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडियन जीडीपी क्या है, इंडियन का पॉपुलेशन क्या है, इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के सामने इंडिया क्या छोटा पड़ गया ना, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है ना माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना, वो बेसिकली कंपेरिजन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये वो उसका पार्ट, नहीं। इसका जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंपेयर किस फॉर्म में किया जा रहा है। तो जब आप कंपेरिजन करोगे तो जो छोटा हो गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो इसके सामने जो बड़ा हो गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अगर मैं वेस्ट बंगाल का कंपेयर कोलकाता से कर रहा हूँ, अगर मैं कोलकाता के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, कोलकाता की डिमांड की बात कर रहा हूँ इन कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता में डिमांड कितना है, कोलकाता का जीडीपी कितना है, कोलकाता की पॉपुलेशन कितना है, राइट, कोलकाता में प्रोडक्शन कितना होता है। तो अगर ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कोलकाता किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि मैं कोलकाता कंपेयर किया वेस्ट बंगाल कंपेयर में, क्योंकि कोलकाता का पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन से कमी होगी ना, तो जो छोटा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़ा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया ना, तो जो हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं वो कंपेरिजन फॉर्म में होता है, तो जो छोटा वो माइक्रो, जो बड़ा वो मैक्रो। ओके, अब देखो डेफिनेशन मारते हैं, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान हो सकता है, या कोई एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, या कंपनी हो सकती है, या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो सकती है, या पर्टिकुलर कंट्री भी हो सकती है, बिकॉज कंट्री कंपेयर आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करोगे, राइट। तो जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आप डिस्कस करोगे, राइट, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कैटेगरी में डालेंगे, और जब आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ होल की बात करोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तब क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये किस चीज का डिस्कशन करेंगे, वहां पे किस चीज की बातें होंगी। तो आंसर इज दैट, अगर मान लो मैं पर्टिकुलर एक इंसान की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल राम, मैं राम की बात करूँ, तो राम का कंजम्पशन कितना है, राम की इनकम क्या है, राम कितना इन्वेस्ट करता है मार्केट में, राम की कितनी सेविंग है, राइट, राम एक महीने में कितना खर्च करता है, राइट, राम कहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज करता है, राइट, राम के कितने कितने ये सेविंग्स कहाँ कहाँ पे हैं, राइट, राम का नेचर ऑफ डिमांड क्या है, पर्टिकुलर किस चीज़ का डिमांड करता है। तो हमने जो स्टडी किया सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान पे स्टडी किया, तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट, कि उस बिजनेस का डिमांड कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के बारे में डिस्कस किया कि रिलायंस कंपनी का नेचर क्या है, मतलब किस में प्रोडक्शन करता है, उसकी टोटल इनकम क्या है, मतलब नेटवर्थ क्या है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके ऊपर कितने लोन, कितने उसके अंदर कितने एम्प्लॉई हैं, राइट, वो कहाँ कहाँ पे प्रोविजन लेकर कितने उसने प्रोविजन क्रिएट किए हैं, राइट, कितने उसके अंदर
ये हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कितने वहां पे वो सोशल सर्विस करता है, कितना वो सीएसआर करके बैठा हुआ है, कितने अंदर उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, कितने उसकी सब्सिडियरीज हैं इंडिया में. तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में स्टडी करोगे वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि इस इंडिया में तो सिर्फ रिलायंस ही तो कंपनी नहीं है ना, इंडिया में तो बहुत सारी कंपनियां, टाटा है, ITC है, रिलायंस, बहुत सारी कंपनी है. तो सारी कंपनियों में से सिर्फ अगर एक कंपनी बारे में डिस्कस करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सारी कंपनी का डिस्कस करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आप समझ रहे हो. ठीक है, तो आज जाते डिफरेंस. हमारा जो डिफरेंस फॉर्म है ये टेबल फॉर्म, इस पर आएंगे ज्यादा बेटर समझेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, छोड़ो मीनिंग से समझते हैं. मीनिंग देखो, मीनिंग क्या लिखा हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एज ए होल. ओके, क्या बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ये इकोनॉमिक्स की एक शाखा है. क्योंकि इकोनॉमिक्स में टू इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एक माइक्रो पढ़ते हैं, राइट. तो क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक ब्रांच, एक शाखा है विच कंसर्न्ड, जो रिलेट करता है विद द इकोनॉमिक एटीट्यूड रिलेटेड टू इकोनॉमिक एज होल. मतलब जब हम किसी इकोनॉमी, अच्छा गाइस इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब अगर मैं एक वर्ड में समझाऊं ना, तो एक देश को इकोनॉमी बोलते हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी. हेलो, हाँ बोलिए, किसी को कुछ क्वेरी था क्या? आपने पूछा ना कि इकोनॉमिक क्या होता है, तो मैंने बोला. अच्छा हाँ बताइए, ठीक है आप बताइए बताइए, आपको बताना तो बताइए. इकोनॉमी सर इज द फाइनेंशियल एस्टिमेट्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रीवियस इयर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नहीं 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 नहीं, ये इकोनॉमी नहीं. मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इकोनॉमी के बारे में क्या होता है. देखिए मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है. इकोनॉमी का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं. क्या मैंने बोला, एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट, ये सारे एजेंट मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम करना क्या, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है. इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ये क्या है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है. आ रहा पास समझ ना. तो देखो ऐसा प्लेस जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां पे कंजम्पशन होता है, जहां पर एक्सचेंज होता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पर सेविंग होता है. उसमें एक्सेक्टर ऐड कर सकते हो. इस पूरे प्लेस को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है. जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी में ये सारी चीज होते हैं. प्रोडक्शन भी होता है, हमारे देश में प्रोडक्शन भी होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, सेविंग इंडिविजुअल क्या करता है, सेविंग करती है, गवर्नमेंट क्या करता है, प्लानिंग करती है ना. तो इस पूरे प्लेस का नाम हो गया इंडियन इकोनॉमी. तो ये एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट या डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, तो उस प्लेस को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं. आई होप आप समझ गए होंगे. हेलो, और भी कुछ समझना क्या इसके बारे में? सर जैसे मैं कहा कि एक नेशन को इकोनॉमी कहते हैं, वैसे ही क्या एक स्टेट या पर्टिकुलर एरिया को इकोनॉमी कह सकते हैं? नहीं, उस एरिया में आपका वो होना चाहिए जितना चीज मैंने बताया है, राइट. देखो इकोनॉमी हमेशा एक कंट्री को ही रिप्रेजेंट करवाता है. आप एक कंट्री छोटे से पार्ट को इकोनॉमी नहीं बोल सकते, ठीक है. जैसे आपका कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल अगर से मैंने बोला वेस्ट बंगाल इकोनॉमी, तो पूरे वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट. तो ये पूरी हो गई वेस्ट बंगाल इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी, राइट. हेलो, हाँ. तो एक पर्टिकुलर प्लेस को आप इकोनॉमी बोल सकते हो ना, जहाँ पे जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के थ्रू, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, वही इकोनॉमी हो गया. होता है ना वेस्ट बंगाल इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, आता है कि नहीं आता? हाँ सर, वो तो दिखाता है. हाँ, तो हमने इसे कंपेयर किया इंडियन इकोनॉमी चाइना, मतलब मैं वर्ल्ड कंट्री वर्सेस कंट्री की बात कर रहा था, आप स्टेट वर्सेस स्टेट की बात कर लो, क्या दिक्कत है. देखो अगर आप डेफिनेशन क्लियर है ना, तो आप समझ जाओगे. डेफिनेशन मैंने क्या बोला, कोई ऐसा प्लेस
जहाँ पे बहुत सारे एजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उस पूरे प्लेस को इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या चीज सर? जो अभी आप इकोनॉमिक के बारे में बताए। अच्छा, इकोनॉमिक के बारे में। अच्छा देखो, पहले ओके देखो, इकोनॉमिक्स और ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के सामने डाउट रहता है ना कि सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक ही है। अरे नहीं भाई, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक छोटा सा पार्ट है, समझ रहा ना आदित्य? ओके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बोथ आर डिफरेंट, पहली बात। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पूरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट है। सेकंड थिंग, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री या ज्योग्राफिकल एरिया या पॉलिटिकल फ्रंटायर जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे मैंने एग्जांपल के तुम्हें ना इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में ही प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है। Yes, sir. तो इस पूरे एरिया को बोल देंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहां पर दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के थ्रू। अब एजेंट का मतलब कौन सा एजेंट? कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो कंज्यूमर इज एजेंट, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर इज इकोनॉमिक एजेंट, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर इज इकोनॉमिक एजेंट। तो एजेंट मतलब वही कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फर्म, एटसेट्रा। सर इसमें हाउसहोल्ड है इकोनॉमिक एजेंट, राइट? हां, हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर, वी आर द पार्ट ऑफ हाउसहोल्ड, राइट? अच्छा, हाउसहोल्ड फर्म के, अच्छा गाइस एक बार अपना कंसेंट आप लोग देना, हाउसहोल्ड और फर्म के बारे में आप कुछ जानते हो? हाउसहोल्ड क्या होता है, फर्म क्या होता है? यस सर, एक बार में पढ़ एक बार सब लोग बोलो, जिसको इसको नहीं पता प्लीज एक बार बता। सर हाउसहोल्ड मींस us who are daily lives living people and firm means companies and artificial persons industries। सर हाउसहोल्ड मींस माने वो पर्सन जो कंजप्शन करता हो, और इंडस्ट्री जो सर्विस या किसी टाइप का पर्टिकुलर प्रोवाइड कराता हो, सर्विस हो गया या गुड्स। ओके, और आप भी और भी लोग बता, 7-8 लोग है ना पार्टिसिपेट में, कितने लोग हैं सब बताइए धीरे धीरे प्लीज। अपना एक बार आप म्यूट ऑन करके बताइए क्या होता है हाउस होल्ड, सबका कंसेंट होना जरूरी है। अरे बोलिए, क्लास कंटिन्यू करना है। सर हाउस होल्ड सर सेविंग करवाता है जिसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, और ये नीलम पद्दार, श्रुति गुप्ता, विकास चौधरी, आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें क्लास में, क्योंकि आप लोग का माइक म्यूट हो रहा है। आप भी बता सकते हैं अगर जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ सबको, बहुत सारा मारा है। ठीक है सुनिए, ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड को हम लोग बोलते हैं ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइज, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है? There are four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Yeah, entrepreneur. तो जो चार factors of production है ना, जो four factors of production है, उनके जो मालिक है, उनके जो owner है, उन्हीं को बोलते हैं household. आ रहा बात समझने? जैसे for example, land, एक business को land कौन provide करता है? Land owner, मतलब एक इंसान ही तो land provide करता है business को, लीजिए आप business करिए। आ रहा समझने? लेबर, बिजनेस में लेबर कौन काम करता है? एक लेबरर ही तो लेबर लेबर बन के काम करता है, एक इंसान। देखो जो जो लेबरर, जो लेबर करता है उसे बोलते हैं लेबरर। जैसे मैं कहीं पे काम करता हूँ तो आई एम नॉट ए लेबर, मैंने कहीं पे काम किया तो मैं लेबर नहीं हूँ, मैं लेबरर हूँ, और मैंने 8 घंटे मेहनत की तो वो मेरी 8 घंटे की लेबर है। तो एक लेबरर ही तो बिजनेस में काम करता है, तो हो गया हाउस होल्ड। दूसरा क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल। एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हम सोसाइटी का इंसान ही करता है,
तो कैपिटल प्रोवाइड करने वाला, बिजनेस को मैनेज कौन करता है, एक एंटरप्रेन्योर ही करता है, वो भी तो एक इंसान है। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, इनके जो मालिक है, जो ओनर है, इन्हीं को बोलते हैं हाउस होल्ड। बिकॉज बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसका तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसको चलाने की, उसको लैंड कौन देगा, हाउस होल्ड देगा। उसमें कैपिटल कौन लगाएगा, हाउस होल्ड लगाएगा। उसके अंदर मेहनत कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। उसको मैनेज कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। तो ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं हाउस होल्ड। दूसरी बात, बिजनेस क्या कर, बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कैपिटल लगाया जाता है, राइट। वो कौन लगाता, हाउस होल्ड कराता है। एक बेसिक चीज और समझ लो इकोनॉमिक्स में, मैं बता रहा हूँ, जब भी सेविंग की बात की जाएगी, इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि सेविंग सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड ही कर सकता है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं, अब आप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सेविंग सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड ही कर सकता है, ठीक है। जब भी फर्म, अब क्वेश्चन सर क्या फर्म सेविंग करता है, हाँ फर्म सेविंग करता है, लेकिन जब भी फर्म सेविंग करेगा तो उस वक्त वो फर्म नहीं कहलाएगा, उस वक्त उसको हाउस होल्ड ही कहलाएगा। जब भी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस वक्त उसको हाउस होल्ड ही बोलेंगे, उस वक्त हम उसको फर्म बोलेंगे। मतलब सेविंग करने का हक हाउस होल्ड को मिला है और इन्वेस्टमेंट करने का हक फर्म को मिला है। आ रहा बस ना, तो हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, तो मैंने सेविंग किया तो मैं अब मेरा नाम क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड। लेकिन मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब मुझे हाउस होल्ड नहीं बोला जाएगा। जिस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस समय के लिए मैं हो गया फर्म। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्म कर सकता है, सेविंग सिर्फ हाउस होल्ड कर सकता है। ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला गया है कि सेविंग करने का हक सिर्फ हाउस होल्ड को है, इन्वेस्टमेंट करने का हक सिर्फ फर्म को है। ओके, ये छोटी छोटी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, अच्छा गाइस मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हाउस होल्ड फर्म के बारे में तो समझ में आ गया कि जो ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हाउस होल्ड होते हैं, और बिजनेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर, देखो फर्म इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट, एक ऐसा बिजनेस यूनिट जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं फर्म। एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस एरिया को बोलते हैं फर्म, राइट। ये तो समझ में आ गया। अच्छा मुझे आप बताइए लैंड क्या है, आप थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ, बेसिक में जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग का चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। लोगों को लगता है ना लैंड, लैंड क्या होता है आपको पता है, एक दो कोई बताओ मुझे। बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस होता हो, होता है। अच्छा, ओके, और एनीवन इसके अलावा और बताइए। देखिए बोलिए बोलिए बोलिए। Land is an asset that can be used in many forms in the business. Okay. Like we can build a building on land. We can rent it. We can sell it. अच्छा मैं okay 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 मैं बता रहा हूँ। देखो आप fifth semester में हो सकता है कि आपका ये last economics पढ़ने का time मिला हो, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आपका कुछ अगर छूट गया है पास्ट में, या किसी कारणवश आपने आपको बताया नहीं गया होगा, आप पढ़े नहीं होंगे, या आप टीचर आपको बताया नहीं होगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ ना कुछ जो मुझे पता है आपको समझा दो, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, इसके बाद आपका सिक्स सेमेस्टर इकोनॉमिक्स नहीं है। कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक्स कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ आप जो लैंड, लेबर, कैपिटल पढ़ के आए हो ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अभी आप मैंने लैंड पूछा, बताइए आप इतने इकोनॉमिक्स पढ़े हैं और आपको लैंड का डेफिनेशन नहीं पता है, लैंड क्या होता है, और आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं 11, 12, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और आपको लैंड के बारे में नहीं पता, तो एक होता ना सेमफुल बात है। ठीक है, लैंड क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बोला गया है ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी लैंड। भगवान की दी जितनी भी संपत्ति है सारी सारी लैंड है, मतलब वाटर भी लैंड है, एयर भी लैंड है, बात समझ रहे हो, एक छोटा सा कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, माउंटेन, झरने, सारे सारे लैंड है, मतलब तो जो आर्टिफिशियल, जो मैन मेड नहीं है, जो चीज मैन मेड नहीं है वो लैंड है। इकोनॉमिक्स में बोला गया ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी ए लैंड। तो थोड़ी सी कंसेप्ट आप समझ लो, लैंड का मतलब होता है भगवान की दी सारी भी चीज। सिर्फ जमीन ही लैंड नहीं है, माउंटेन भी लैंड है,
एयर वाटर सारे के सारे लैंड है, पेड़ पौधे भी लैंड के पार्ट है, कंकड़ छोटा सा कंकड़ भी लैंड है आपका, ठीक है ओके। लेबरर लेबर हमने पढ़ता ना लैंड लेबर कैपिटल, लेबर क्या होता है मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया ना कि जो इंसान मेहनत करता है उसे हम लोग लेबर नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग लेबरर बोलते हैं, एल ए बी ओ यू आर लेबरर, एल ए बी ओ स्पेलिंग लिख लीजिए अगर लिखना है तो, एल ए बी ओ यू आर ई आर लेबरर, कहीं पे ई आर होता कहीं पे ओ आर, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। लेबर जो इंसान मेहनत करता है उसे बोलते हैं लेबरर, नॉट ए लेबर, उसने कितने घंटे मेहनत की वो उसकी लेबर है। लोगों को तो भी नहीं पता डिफरेंस क्या है लेबर और लेबरर में, इंसान को लोग लेबर बोल देते हैं, ए तू लेबर है, नहीं भैया लेबर नहीं, वो लेबरर है, उसने जो मेहनत किया वो उसकी लेबर है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैंने 50,000 रुपया कमाया वो मेरी कैपिटल है, नहीं वो आपकी इनकम है, आ रहा सुनो। लोगों को लगता है कि मैंने अकाउंट में 2,00,000 रुपया रखा है तो वो मेरी कैपिटल है, नहीं वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी सेविंग है, है ना। कैपिटल क्या बता सकते हैं कोई मुझे, कैपिटल क्या होता है, एनीवन बताओ कैपिटल क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, कंपनी हाँ थोड़ा एलिबोरेट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो सर। मतलब जो कंपनी जब फॉर्म होता है उसके साथ तो कोई अमाउंट ले आता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जितना सारा कैपिटल माने एसेट्स हो गया, कैश हो गया, जितना सारा इन्वेस्टमेंट किया उसको ये कहते हैं कैपिटल। हाँ राइट, देखो मैं इसको मैं थोड़ा अच्छे ढंग से बताता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल आपने पढ़ा भी होगा, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कैपिटल को बनाने से पहले आपको प्रोडक्शन करना होगा, विदाउट प्रोडक्शन कैपिटल इज नॉट पॉसिबल। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से मेरी सैलरी 50,000 रुपये, राइट 50,000 मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है, मेरी वेल्थ है। उस 50,000 में से मैंने क्या किया, 20,000 रुपया अपने बिजनेस में लगा दिया, 20,000 रुपया मैंने एक बिजनेस में लगा दिया, एक फ्रेंड के बिजनेस में लगा दिया। तो 50,000 में से मैंने अगर 20,000 बिजनेस में लगाया ना तो वो 20,000 मेरा क्या है, कैपिटल है। मेरा 50,000 मेरा पूरा का पूरा 50,000 कैपिटल नहीं है, वो 20,000 जो मैंने लगाया, ठीक है, क्योंकि 20,000 मैं लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। पहले मैंने 50,000 कमाया, पहले मैंने 50,000 कमाया, ठीक है, ये पैसा कहाँ से आया, अरे मैंने कहीं पे काम किया होगा, कहीं पे प्रोडक्शन किया होगा, तभी तो 50,000 कमाया। अब मैंने पैसा कमा लिया, अब उस पैसे का एक छोटा सा पार्ट मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो वही जो छोटा पार्ट है ना वो कैपिटल है। तो क्वेश्चन रहा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, अरे भाई 20,000 लगाऊंगा तभी तो 30,000 कमाऊंगा, तभी तो 40,000 कमाऊंगा। इसीलिए बोला जाता है कैपिटल इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का वो पार्ट जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन का वो पार्ट जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। 50,000 मेरा टोटल प्रोडक्शन था, उसमें छोटा सा पार्ट 20,000 मैंने कहीं पे और लगा दिया, राइट, फर्दर प्रोडक्शन किया, 20,000 मैंने लगाया। अब वो 20,000 रुपया का मैं सपोज कुछ लेकर आया और मैंने उसको बेच दिया, मतलब 20,000 मैंने कोई सामान लेकर आया बिजनेस में और उसको मैंने 25,000 में बेच दिया, तो 20,000 मैंने 25,000 कमाए थे, एक्स्ट्रा 5,000 कमाया ना, राइट। तो प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि पहले प्रोड्यूस करो फिर उस पैसे का फर्दर प्रोडक्शन के लिए लगा दो, दिस इज द कैपिटल। इसलिए बोला था बिजनेस इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और एंटरप्रेन्योर आपको पता है कि ऐसा इंसान जो लैंड लेबर कैपिटल को कोऑर्डिनेट करो मैनेज करे और साथ ही साथ रिस्क बियर करे और बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस को ले, उसको वो क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और इसकी जो प्राइस होती है, एंटरप्रेन्योर की प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट होती है। कैपिटल की प्राइस क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। लेबर की प्राइस क्या होती है, वेजेस सैलरी होती है। लैंड की प्राइस क्या होती है, रेंट होती है, आपको पता ही है। तो आ जाते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में डिफरेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस फॉर्म में आते हैं ये ज्यादा बेटर है। देखो जो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन बता रहा है। डेफिनेशन क्या है, हम लोग माइक्रो की बात करें, MICRO माइक्रो छोटा वाली बात करें। इट इज
दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट सच एज, देखो यहाँ पे है ना, इकोनॉमिक एजेंट सच एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सेट्रा. क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं. इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है गाइस? इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने टोटल इनकम से कितना खर्च करने वाला हूँ, दैट इज इकोनॉमिक डिसीजन. मैं अपनी इनकम से कितना सेव करने वाला हूँ, दिस इज द इकोनॉमिक डिसीजन. मैं अपने इनकम से कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, दिस इज इकोनॉमिक डिसीजन. आ रहा बस ना? इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है डिमांड करना, डिमांड मतलब वही कंजम्पशन करना, सेव करना, इन्वेस्टमेंट करना, दिस इज इकोनॉमिक डिसीजन, राइट. अब देखो यहाँ पे बोला ना, ये इंडिविजुअल का इकोनॉमिक डिसीजन था. प्रोड्यूसर का इकोनॉमिक डिसीजन क्या होगा? प्रोड्यूसर का इकोनॉमिक डिसीजन होगा कि उसके दिमाग, उसके बिजनेस में कितने लेबर लगाने हैं, उसके बिजनेस में कितने कैपिटल लगाने हैं, वो बिजनेस में कितना प्रोविजन क्रिएट करेगा, राइट. वो बिजनेस में कितना लैंड लेगा, वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, कितनी उसके प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई है, राइट. दिस इज द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर. तो जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने डिसीजन के बारे में स्टडी करता है, या एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है, अपने डिसीजन के बारे में स्टडी करता है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आपको पर्टिकुलर समझाया भी था ना कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में डिस्कस करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में डिस्कस करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या डिस्कस करोगे, ऐसे मान लो बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, तो उस बिजनेस का नेचर क्या, मतलब किस में बिजनेस करता है, किस प्रोडक्ट में वो डील करता है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कितनी है, उसकी पर उस बिजनेस में कितना उसका कैपिटल लगा है, उसमें कितने लेबर है, कितने डायरेक्टर्स हैं, राइट. कितना उसका नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ क्या है. तो जब भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या पर्टिकुलर एक बिजनेस या कंपनी बारे डिस्कस कर रहे हो, तीसरा कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो में आ जाते हैं. इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एग्रीगेट, मतलब होल एंड एवरेज ऑफ इकोनॉमी, दैट इज एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. मतलब जब एक इंसान के बारे में बात किया, या एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात किया, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब सारे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, मतलब अब देश में सबकी बात हो रही है, हाउस होल्ड की बात हो रही है, फर्म की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, देश फॉर एग्जाम्पल क्या बात हो रही है कि देश का टोटल डिमांड क्या है. जब एक एक इंसान की डिमांड की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और देश की जब टोटल डिमांड की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. आराम से ना, तो देश का टोटल डिमांड कितना है, देश की टोटल इनकम क्या है, देश की टोटल सेविंग कितना है, देश का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, देश की एग्रीगेट सप्लाई क्या है, देश का एम्प्लॉयमेंट कितना है, देश का देश में इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, राइट. देश की जीडीपी क्या है. तो जब इकोनॉमी एज होल डिस्कस करेंगे, मतलब पूरे देश के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस बारे में डिस्कस करेंगे, वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आप समझ रहे हैं. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट आर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. ऑब्वियस ही बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन कौन लेगा, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है या पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हो सकता है. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग यूनिट आर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हो सकता है. वही मैंने बोला ना कि देखो हाउस होल्ड, हमारे हमारे देश में चार प्रकार के लोग रहते हैं. मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, देश में चार प्रकार के लोग रहते हैं. एक आम पब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो होता है हाउस होल्ड, और जितने बिजनेसमैन वाले हैं ना, उन्हें बोलते हैं फर्म. गवर्नमेंट तो आप जानते ही हो. और प्लस एक हमारा जिसको हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, तो इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर. तो टोटल चार सेक्टर हैं, ठीक है. हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, और आपका एक है फॉरेन सेक्टर, ठीक है. चार प्रकार के लोग किसी हर देश में रहते हैं. तो हाउस होल्ड का कितना डिमांड है, फर्म का कितना डिमांड है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट सेविंग करती है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है,
हमारे देश में कितना इंपोर्ट हुआ, हमारे देश ने कितना एक्सपोर्ट किया, अगर मैं सबका मिलाकर बात करूं, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट की बात की जा रही है, सम टोटल सबकी बात की जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई, आरबीआई क्या करती है, सारे बैंकों का रेट क्या होगा, सारे बैंकों में कितना फंड देना है, बैंक कहाँ पे कितना लोन देगा, सारे बैंक को मैनेज कौन करता है, माइक्रो एसबीआई, जितने कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल बैंक जितने भी बैंक है, ये सबको मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है ना। तो जब एक बैंक की बात करेंगे, देखो अगर मैं सिर्फ एसबीआई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की बात कर रहा हूँ, हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं सारे बैंक की बात कर रहा हूँ, हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड नंबर आते हैं, इट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ होल इकोनॉमी। मैंने बोला ना, ये पूरे इकोनॉमी के एक छोटे कंपोनेंट की बात करता है, मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या में से मैंने सिर्फ एक इंसान के बारे में बात किया कि उसका डिमांड क्या है, उसका सेविंग क्या है, उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसकी इनकम क्या है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, आराम से ना, उसके टोटल खर्च कितने हैं। तो मैं इकोनॉमी मतलब पूरे इकोनॉमी से अगर मैं एक छोटे कंपोनेंट के बारे में बात कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड आ जाते हैं, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री एज होल। जब मैं पूरे देश की बात करता हूँ, हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर में जाते हैं, इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली मैं इसको एग्जांपल तो समझा रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकाली जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकाली जाती है, तो आपको पढ़ाया गया हो गया कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे मैच होता है वहाँ प्राइस मिल जाता है, मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई मैच करता है वहाँ से क्या मिल जाता है, प्राइस हो जाता है ना। तो जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकाली जाएगी, ये किसके अंदर में आता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। सारे प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकलेगी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। अरब समझ में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दिया, एग्जांपल मान लो एक शूज है, ठीक है, एक शूज है, एक शूज की प्राइस कितनी होगी, एक शूज की प्राइस कितनी होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक शूज है उसकी प्राइस कितनी होगी, तो उसका कितना डिमांड कितनी सप्लाई है, जहां मैच करके वहां से प्राइस निकल गया। लेकिन मैं सारे कंपनियों की शूज की प्राइस निकालूं, सारे लोगों की सारे प्रोडक्ट की प्राइस की निकाल लूं, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्राइस। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, मतलब सारे प्रोडक्ट की प्राइस की बात यहाँ पे की जाती है। जब सारे प्रोडक्ट की प्राइस की बात की जाएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात की जाएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को सर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट प्रोडक्ट का ये बोलेंगे प्राइस ये होता है एग्रीगेट, हाँ, हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, अरे इन्फ्लेशन को ही तो बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, नहीं बोलते 4% इन्फ्लेशन, 5% इन्फ्लेशन। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसका मतलब, जब मैं इन्फ्लेशन चैप्टर में आऊंगा ना तब आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी हमारा इन्फ्लेशन 5% है, इसका मतलब हमारी जो ओवरऑल सारे गुड्स की प्राइसेस 5% बढ़ गई है, दिस इज द जनरल प्राइस लेवल। आया समझ में? हाँ सर। सर और एक डाउट है कि जैसे आपने कहा, सर आपने जैसे कहा आरबीआई माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ऑल द कमर्शियल नॉन कमर्शियल बैंक हो गया, तो सर नहीं, नहीं, मैंने ये बोला कि जब हम सिर्फ एसबीआई के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, सिर्फ एसबीआई के बारे में स्टडी कर रहा हूँ कि एसबीआई के कितने कंज्यूमर है, SBI का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, SBI ने कितने लोन देके बैठे हैं, कितना उसका NPA है, आ रहा बस समझ, SBI ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो सिर्फ मैंने किसका, सारे बैंकों में से मैंने सिर्फ SBI के बारे में डिस्कस किया, तो वो हो गया माइक्रो। लेकिन मैं अगर सारे बैंक के बारे में डिस्कस करूँ, जिस सारे बैंक को मैनेज कौन करता है, RBI ना, सारे बैंक को कौन मैनेज करता, RBI सिर्फ SBI को मैनेज करता है क्या, आप मुझे आंसर दो। नहीं सर, कमर्शियल नॉन कमर्शियल सबको मैनेज करता है ना, तो जहाँ पे सबको मैनेज करने की बात आ जाएगी वो हो जाएगा आरबीआई। तो आरबीआई कभी माइक्रो नहीं सकता, आरबीआई एक अथॉरिटी है, आरबीआई एक एक्ट है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो सिर्फ एक बैंक के लिए नहीं बना, वो सारे बैंकों के लिए बना। तो जहाँ पे होल की बात की जाती है ना वहाँ पे माइक्रो माइक्रो आ जाता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जाती है वहाँ पे माइक्रो आ जाता है।
सर तब आरबीआई का पॉलिसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है? हाँ 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 पूरा, क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी निकालती है किसी एक बैंक के लिए नहीं निकालती, सारे बैंकों के लिए अवेलेबल होती है। ओके सर, आ रहा है? हाँ सर समझ गया। आते यहाँ पे है ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स। देखते हैं, द गुड्स विच आर स्केयर एंड नॉट अवेलेबल फ्रीली कैन बी टर्म एज इकोनॉमिक गुड्स। Any individual or firm has to pay some price to avail economic goods, for example, crude oil, iron rod, several consumer goods sold in the market. ठीक है, economic goods का मतलब होता है ना ऐसा goods जो easily available ना हो, मतलब limit, इसके मतलब क्या होता है limited हो, इसके मतलब क्या होता है limited, वो goods जो limited in nature हो, मतलब जो limited हो और easily available ना हो और जिसकी कुछ प्राइस हो, मतलब उसको पाने के लिए आपको कुछ पे करना हो, उसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल लेना है तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, पैसा तो कभी मोबाइल मिलेगा। आपको कपड़े लेना है फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, आपको चावल दाल सब्जी रोटी लेना है, चिकन लेना है, एग्स लेना है, मिल्क लेना है ना, आपको कार लेना है, जितने भी गुड्स जो इजिली अवेलेबल ना हो, जो लिमिटेड इन नेचर हो, जिनकी कुछ एक प्राइस हो, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। On the other hand, goods which are available freely and not transacted into market, मतलब market में जो बेचा नहीं गया हो और जो easily available हो, ठीक है, can be termed as non-economic goods. For example, natural light and air are non-economic. आपको धूप धूप पाने के लिए पेमेंट करना पड़ता है क्या सूर्य भगवान को? लीजिए भगवान जी थोड़ा धूप दीजिए, पैसा देना, ऐसा थोड़ी होता है। Sunlight, air, water, है ना? अरे बाबा वाटर मतलब यहाँ पे कौन सा वाटर की बात हो रहा है? गंगा गंगा जी चले जाओ, इजिली अवेलेबल, जितना पानी पीना पी लो, पी पाओगे? नहीं। तो उस अब वो जो हम लोग के पास जो वाटर आता है तो प्रोसेस करके आता है ना, उसमें तो प्रोसेसिंग की जाती है ना, उसमें बहुत सारे मशीन लगे हैं, बहुत सारे लेबर लगे हैं, बहुत सारे दवा छिड़कना पड़ती है, उसकी साफ सफाई की जाती है, तो उसमें तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज की गई है ना। और मीठा पानी लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है बताना बाबू? अनलिमिटेड है सर। मीठा पानी अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। इतनी अगर अनलिमिटेड होता तो फिर राजस्थान या साउथ साइड में इतना पानी की कमी क्यों है गुजरात साइड महाराष्ट्र साइड में? हमारा जो खारा पानी है ना वो बहुत ज्यादा खारा पानी किसी काम में ना, खेती काम में आता है ना, कपड़े धोने काम आता है ना, पीने काम में आता है, है ना? जो समुद्र का वाटर है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो मीठा पानी है जो हमें काम में आता है ना वो बहुत लिमिटेड है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। आप शहर में तो आपको पानी मिल जाता है, आप कहीं और चल जाओ, मरुस्थल साइड चलो, जंगल साइड चल जाओ, तो आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा ही नहीं, तो इजीली अवेलेबल कहाँ है? और ये पानी जो आप बिसलेरी का बॉटल है तो फ्री मिलता है क्या आपको? नहीं सर, कॉस्ट। तो वही तो बोला ना कि जो गुड्स, फिर समझ लो, जो गुड्स की पर्टिकुलर प्राइस हो, जो इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है, जिसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट हो, मतलब लिमिटेड नेचर, मतलब स्केयर हो, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक गुड। और नॉन इकोनॉमिक गुड मतलब क्या होता है, जो इजीली अवेलेबल हो, इसकी कोई प्राइस ना हो, दिस इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट। सर समटाइम्स क्या होता है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को खाना जैसे ये प्रोवाइड कराता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहलाएगा? नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, या बेसिकली वो वर्ड है नेशनल इनकम में, आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली एक तो आप सब्सिडी जानते हो, सब्सिडी? हाँ हाँ सर, सब्सिडी, गैस। तो सब्सिडी भी तो उसी प्रकार में आता है कि हमको सब्सिडी में क्या, हमको कुछ पे करना पड़ता है। जैसे ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बूढ़ा इंसान है उसको ओल्ड एज पेंशन दिया है ना, हाँ। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट ने गरीब बच्चों के लिए, गरीब फैमिली को कुछ पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, वो ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। जैसे मिड डे मील स्कूलों में दिया जाता है वो ट्रांसफर कहलाएगा था? हाँ वो ट्रांसफर पेमेंट है, सारे एक्सपेंडिचर है ज्यादा ट्रांसफर पेमेंट। Okay, अरे गवर्नमेंट भी तो खरीद के लाती है ना बाबा, जो राशन, जिस राशन से प्रोडक्शन हो रहा है, क्या गवर्नमेंट फार्मर से खरीदती नहीं है? खरीदती तो है सर, बट तो प्रोवाइड कराती फ्री में ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है फ्री में प्रोवाइड करना, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन गवर्नमेंट जिससे चावल खरीद के लाई उसको पैसा दी है कि नहीं दी है? उसे फ्री में थोड़ी गवर्नमेंट लेकर आई है। यस सर। तो कैसे उसके लिए नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गया? चावल क्या इजीली ये स्केयर नहीं है क्या? चावल तो स्केयर है।
चावल की एक पर्टिकुलर प्राइस है, समझ रहे हो ना बात? यस सर। गवर्नमेंट फ्री में अगर सामान लाती है या उसका उसने कहीं पे कुछ पे वगैरह नहीं किया है तब उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट ने पे करके फ्री में बांटा है तो वो इकोनॉमिक गुड्स है, वो भी नेशनल इनकम में ऐड होगा, समझ रहे हो? यस सर। आ जाते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज। मैं इसको अगर इजी तरीके समझाओ, जिस सर्विसेज को पे करने के लिए आपने पेमेंट किया है दिस इज द इकोनॉमिक सर्विसेज, और जिस सर्विसेज को पाने के लिए आपने पेमेंट नहीं किया है दिस इज नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज। एग्जांपल में आप हलोटिया सर या मेरे से पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली मुझे एक ना एक दिन पे तो करोगे ना, मेरी सर्विस को पाने के लिए आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा मुझे, ये हो गया इकोनॉमिक सर्विसेज। पर सनलाइट वाटर ये सब एयर को पाने के लिए आप किसको पे करते हो? किसी को पे नहीं करते हो, जैसे नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज है ना। एक एग्जांपल देखो ना, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर टैक्स कंसल्टेंट, तो डॉक्टर पास जाओगे फ्री में तो तुम वो अपना डायग्नोस नहीं करेगा, अरे डायग्नोस करने के बाद भी उसको फीस तो दोगे 400-500 हज़ार जो भी उसकी फीस देना तो पड़ेगा। एक इंजीनियर भी अपना आकर आपका एसी ठीक करके गया तो फ्री में तो ठीक नहीं करेगा ना, उसने सर्विस दी आपको पे करना पड़ा। तो सिंपल सी बात है ना, जो सर्विसेज को पाने के लिए आपने पेमेंट किया दिस इज द इकोनॉमिक सर्विसेज, और जिस सर्विसेज आपने पाया लेकिन आपने कुछ पेमेंट नहीं किया नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज। यहाँ पे आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वही समझ रहे हो ना, दो जो गुड्स हम इजिली कंज्यूम करते हैं या जिस गुड्स को हम फाइनली कंज्यूम करते हैं दीज आर द कंज्यूमर गुड्स, जैसे जितने भी रोटी कपड़े चावल है ना, शूज वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, खाना पीना खाते हैं ना, दीज आर द कंज्यूमर गुड्स। देखिए डेफिनेशन देख लो, द गुड्स विच आर यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पज, ऐसा गुड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पज के लिए उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। दे आर यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन नॉट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अदर गुड्स, मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब एक वर्ड यहाँ पे देखो ना, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी अदर गुड्स, मतलब ये जो है ना नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी अदर गुड्स, इसका मतलब ना मैं अभी आपको समझाऊंगा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब मैं वहां समझाऊंगा। अभी आप ये समझो, कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो हम लोग फाइनली कंज्यूम करते हैं, जैसे आपने सब्जी लाया खा लिया कंज्यूमर गुड्स, दूध लाया पी लिया कंज्यूमर गुड्स, कपड़े लाए पहन लिए कंज्यूमर गुड्स, कार लाया कार को यूज करें कंज्यूमर गुड्स, जिसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पेमेंट करते हैं सर उसको भी कंज्यूमर गुड्स है। तो अरे पे तो करोगे ही ना, वो तो कंज्यूमर गुड्स मतलब इकोनॉमिक गुड्स का एक पार्ट है ना कंज्यूमर गुड्स, जिसके लिए पे किया वो तो इकोनॉमिक गुड्स हो गया, जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स, आप इंटरमीडिएट गुड्स छोड़ दो अभी मैं समझाऊंगा। एक्चुअली देखो, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं समझाऊंगा, इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। कैपिटल गुड्स में आ जाओ, देखो कैपिटल गुड्स क्या है, ऑल द ड्यूरेबल गुड्स सच एज मशीन, बिल्डिंग, ट्रक, शिप, एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल इन द मार्केट्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स। को पता ही है कि जितने भी मशीनरी वगैरह है प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, मशीन को लगाकर फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, फिर वो जो प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में बेचा जाता है, तो मशीन क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। तो जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, ट्रक्स वगैरह होते हैं ना ट्रांसपोर्ट के लिए, सिप वगैरह यूज की जाती है, दीज आर द कैपिटल गुड्स। सर एक डाउट है, बोलो सर, अगर मैं बस से यहाँ से कहीं जाता हूँ और उसके लिए जो पे करता हूँ वो भी कैपिटल गुड्स आएगा कि वो कंज्यूमर गुड्स आएगा? वो तो तुम्हारे लिए कंजम्पशन हो गया ना, वो बस वाले के लिए तो कैपिटल, बस वाले का तो कैपिटल है ना वो, तो हेलो वो कैपिटल आपने लगाया था या बस वाले लगाया था? नहीं, बस वाले ने लगाया, तो उसका कैपिटल हो गया, आपका तो वो कंजम्पशन पर्पज, आपने बस ने सर्विसेज दिया तो आपने बस की सर्विस कंज्यूम की तो आपके लिए कंजम्पशन हो गया। ठीक, आ रहा बस समझे? ओके, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, द गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन पर्पज आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स। सीधा सा बात है कि जब प्रोड्यूसर कोई गुड्स यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, hence the fixed assets like plant machinery and raw material used by the producer in the production process are called producer goods. ठीक है, producer ने जिस भी goods को use किया production करने के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, producer ने
जितने भी गुड्स यूज किए प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, जिसे रॉ मटेरियल मशीनरी सब यूज करता है ना, दीज आर द प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स समझाऊंगा, इंटरमीडिएट गुड्स समझाऊंगा, ठीक है, इसको भी बाद में समझाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब सर फिर कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिफरेंस क्या हुआ सर? दोनों हा? तो सर तब कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिफरेंस क्या हुआ? देखो कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होता है, वो ड्यूरेबल इन नेचर ही होता है, बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ हाँ सर, कैपिटल गुड्स क्या होता है बेसिकली, ड्यूरेबल इन नेचर। से फॉर मशीनरी वगैरह आती है ना, था पर्टिकुलर, जैसे एक मशीन लेते हो कम से कम 4-5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी? यस सर। हेलो, एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में आ जाता है, वो एक एसेट्स की तरह काम करता है। कैपिटल गुड्स को ऐसे समझो ना कि एक एसेट्स की तरह तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, जो ड्यूरेबल इन नेचर हो, समझ रहे हो? हाँ, और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या, ऐसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लाया, जैसे मैं एग्जांपल समझ रहा हूँ, मैंने प्लास्टिक लाया, हेलो, मैंने मान लो लोहे लोहा लाया, आयरन समझते हो ना, आयरन लाया, आयरन को पिघला करके स्टील बना दिया, तो आयरन मेरे लिए कौन सा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया ना, बिकॉज स्टील बनाने के लिए मुझे आयरन की जरूरत थी। तो जिस भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है, दीज आर द प्रोड्यूसर गुड्स। तो उसमें कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड है, उसमें कैपिटल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड है, बिकॉज मशीनरी वगैरह भी तो यूज होती है ना प्रोडक्शन पर्पज के लिए, हाँ, तो प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है कैपिटल गुड्स, आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स का एक छोटा सा पार्ट है कैपिटल गुड्स। पर आप बताइए, रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स होता है क्या? नो सर, वही बात है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल, हाँ, वो प्रोड्यूसर गुड्स है, बिकॉज रॉ मटेरियल तो ड्यूरेबल नेचर नहीं होता है ना, और उससे कोई एसेट्स तो क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए वो कैपिटल गुड्स नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, समझ जाओगे धीरे धीरे। हाँ, मेन टॉपिक आप समझ लो, स्टॉक एंड फ्लो, ये भी बापरे, ये देखो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये फेवरेट क्वेश्चन है शिव का। मैं बिलीव करूँ, मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को हर साल कुछ ये क्वेश्चन दिख ही जाता है अल्टरनेट ईयर में, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस क्या है, सीयू का, सीयू का, हाँ, आप सीयू से बिलोंग करते हो ना, मैं उसी की बात करता हूँ। हाँ सर, तो स्टॉक एंड फ्लो क्या है इसको अच्छी समझ। अच्छा, कोई बता सकता है बिना देखे? बिना देखे कोई जानता है स्टॉक एंड फ्लो? कुछ बताओ आप लोग भी, तभी तो अच्छा लगेगा ना, वरना मैं बोलते चला जा रहा हूँ, पता नहीं समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कोई बता सकता है? 12 में पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। अरे ठीक है, याद करो थोड़ा, इतने सारे लोग तो दिख रहे, काफी लोग दिख रहे, आवाज एक जन का ही आ रहा है, किसी को पता है स्टॉक एंड फ्लो? सर कुछ कुछ याद आ रहा है, 12 में सर कुछ बोले थे, टैंक, माने एक टैंक होता है पानी, उसमें इतना भरा रहेगा, तो ऐसे करके कुछ याद नहीं। बुक का एग्जांपल था वही, तुम लोग को समझा रहे, आई थिंक सर कुछ था ऐसे, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट सर स्टॉक इज सेविंग ऑफ एसेट्स। हाँ, सेविंग आप स्टॉक बोल सकते हो, और बताओ सर? स्टॉक रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्युमुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। हाँ, राइट, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, और सर फ्लो एग्जांपल दे दो आप, रह रहा है और बाद में कितना स्टॉक जा रहा है, वही फ्लो हुआ। ठीक है, टेस्ट बाद में लेंगे, थोड़ा अपने पहले पढ़ लेते अच्छे से, स्टॉक एंड फ्लो। देखो मैं ना इसको एक एक एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा, देखो पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है, स्टॉक रिफर्स टू द लेवल ऑफ वेरिएबल, लेवल ऑफ वेरिएबल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल बात एक ही है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा ना, एक्चुअली ब्रैकेट होगा नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ब्रैकेट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक रिफर्स टू द लेवल ऑफ वेरिएबल एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ सिटी, अमाउंट ऑफ मनी इन द सेविंग अकाउंट विथ कॉमर्शियल बैंक ऑफ पर्सन एक्सेट्रा। थोड़ा अपने लैंग्वेज समझते हैं, स्टॉक देखो, स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा,
है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी बुक आज आज 26 तारीख है ना, तो आपके इस 26 तारीख में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, इस टाइम में आपके बुक सेल में कितने बुक पड़े हैं, इस टाइम पे कितने बुक पड़े, मान लो 10 बुक पड़ी है, तो आपके पास 10 बुक का एक स्टॉक स्टॉक है, जिसको बोलेगा ना स्टॉक ऑफ बुक्स। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक्स। आपके इस टाइम पर, इसी टाइम पर आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जैसे मान लो अभी मैंने चेक किया, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा है, दिस इज माई स्टॉक, ठीक है ना। इस देश में करेंट में कितनी पॉपुलेशन है, दिस इज द स्टॉक कंसेप्ट। तो स्टॉक कंसेप्ट में हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इसका जो मेजरमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, आज के डेट में कितनी पॉपुलेशन है, आज के डेट में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आज के डेट में यहाँ पता ना व्हीकल इन द सिटी, आज के डेट में आपके शहर में कितनी मोटरसाइकिल हैं, कितने साइकिल्स हैं, कितने कारें हैं। तो जब भी कोई मेजरमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे की जाती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक। आपके बिजनेस में आज के डेट में कितने रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, चाहे वो फिनिश्ड हो या रॉ है या सेमी फिनिश्ड हो, कितने पड़े हुए हैं, वो आपका स्टॉक है। तो जो भी मेजरमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किया जाता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिसका कोई लेंथ ऑफ डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक, फ्लो क्या है? अ फ्लो वेरिएबल रिप्रेजेंट्स इट्स क्वांटिटी चेंजेस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लो का मतलब देखो, फ्लो का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल हो, जो चेंज, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, जो चेंज हो, जो फिक्स ना हो, दैट इज फ्लो। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, इसका मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। ठीक है, जैसे बैंक में आज के डेट में 10,000 था, तो कल तो कुछ निकालोगे या कल कुछ पैसा डालोगे ना, है ना। आज मान लो 10,000 था, आपने हर वीक आप 1,000 करके निकाल रहे हो, एक वीक में आपने एक फर्स्ट नेक्स्ट वीक में आपने 1,000 निकाला, उसके नेक्स्ट में आपने 1,000 निकाला, उसके नेक्स्ट आपने 1,000 निकाला, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक फ्लो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। पीरियड ऑफ समझते हो ना, जहाँ पे एक से लेकर एक वीक से लेकर चार वीक की बात हो रही है, एक से लेकर चार वीक, मान लो आपने चार वीक ट्रांजेक्शन किया है, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक रिफर्स टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल, एक बढ़िया से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे एक सैलरी है, जब भी मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो सैलरी हमारे क्या होती है, फ्लो कंसेप्ट होती है। कैसे, जब मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो वो सैलरी आपको कब मिलती है, मंथ के लास्ट डेट में मिलती है ना, है ना, मंथ 30 तारीख को आपको सैलरी मिली, तो वो 30 तारीख को मान लो आपको 30 तारीख को सैलरी मिली 30,000 रुपये, 30 तारीख को सैलरी मिली 30,000 रुपये, तो उस वो सैलरी कब मिली आपको, क्योंकि आपने पूरे महीने काम किया, आपने पूरे महीने काम किया, तभी ना आपको 30,000 की सैलरी मिली, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन काम कर लिया और आपको 30 दिन की सैलरी मिल गई, नहीं ना। तो एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने काम किया, दिस इज योर पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, उसके बदले आपको 30 तारीख में पैसा मिला, क्योंकि आपने पूरे एक महीने काम किया तब जाकर आपको सैलरी मिला। तो उस सैलरी को क्या कर सकते हो, अगर उस सैलरी को मैं 30 डिवाइडेड बाई कितने वीक होते, चार वीक होते हैं ना, तो 30 डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा, तो एक वीक की सैलरी मिल जाएगी, है ना। 30 डिवाइडेड इंटू 12 कर दूंगा तो मुझे एनुअल सैलरी मिल जाएगी। तो आप एक महीने की सैलरी को आप पर डे का सैलरी निकाल सकते हो, जैसे 30 डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे पर डे की सैलरी आ जाएगी, आराम से ना। तो आप क्या कर सकते हो, पर डे की सैलरी निकाल सकते हो, पर वीक की सैलरी निकाल सकते हो, क्वार्टरली सैलरी निकाल सकते हो, मंथली सैलरी निकाल सकते हो, एनुअली सैलरी निकाल सकते हो। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम, कि अलग अलग पीरियड पे अलग अलग टाइम है, आ रहा हो समझ। तो फ्लो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, स्टॉक हमेशा स्पेसिफिक टाइम को बताता है। ठीक है, स्टॉक का कोई लेंथ ऑफ डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम पे होता है ना, अभी क्या स्टॉक है। लेकिन फ्लो का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे आपने 30 दिन तक काम किया तो वो 30 दिन आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। आपने एक साल काम किया तो वो एक साल क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है। इट हैज टाइम डायमेंशन या लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, राइट। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना,
फ्लो में देखो टाइम एग्जांपल दिया ना. इफ इट इज स्टेटेड दैट द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5000 देन दिस इज अ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. अगर मैं बोलूं किसी इंसान की इनकम 5000 रुपया तो इनकम्प्लीट है ना. अरे भाई 5000 क्या, वो 5000 पर डे कमाता है या 5000 पर वीक कमाता है या 5000 पर मंथ कमाता है या 5000 पूरे साल में कमाता है. तो इसीलिए बोला कि इट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि इसकी इनकम एक साल की है या एक महीने की या एक दिन की है. द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी एन इनकम ऑफ रुपीज 5000 पर वीक, है ना. करंट स्टेटमेंट क्या हो गया कि एक इंसान एक हफ्ते में 5000 कमाता. दिस इज द करंट स्टेटमेंट. ये जो पर वीक है ना, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम. ये हो गया तुम्हारा फ्लो कंसेप्ट. यहाँ पे आ जाते हैं जो हम लोग का टी फॉर्म बना है, टेबल फॉर्म, उस पर आ जाते हैं. स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, आपको पता ही, क्योंकि स्टॉक के पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है इसलिए इसका कोई डायमेंशन होता नहीं. फ्लो हैज टाइम डायमेंशन बिकॉज ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम से एज ऑन 31 मार्च 2010. मैंने बोला ना कि आपके बिजनेस में 31 मार्च 2010 को कितना स्टॉक पड़ा है, तो जो आपने मेजरमेंट किया वो 31 तारीख को ही किया है, तो उस डेट पे कितना स्टॉक आपके बिजनेस पड़ा है, दिस इज योर स्टॉक कंसर्न, बिकॉज वो फिक्स्ड है कि इस टाइम पे इतने ही स्टॉक है. फ्लो क्या हो गया, फ्लो इज मेजर्ड पर टाइम पीरियड से पर मंथ पर वीक. मैंने बोला ना कि आप अपने सैलरी को पर डे के हिसाब से भी निकाल सकते हो. आप एक दिन में कितना कमाते हो, आप अपने सैलरी को पर वीक के हिसाब से भी मेजर कर सकते हो, आप अपने सैलरी को मंथली बेसिस भी मेजर कर सकते हो, आप अपने सैलरी को एनुअली बेसिस भी मेजर कर सकते हो. तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है वहाँ पे फ्लो होता है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है वो आपका स्टॉक होता है. ठीक है, कुछ पूछना किसी को? सर जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरा सैलरी, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर, बोल रहा हूँ जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरा सैलरी 31 अगस्त 2020 को 5000 आया, तो वो मेरा स्टॉक कहलाएगा. अब फ्लो अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरा फर्स्ट, नहीं, आप जो सैलरी कमा रहे हो 31st, वो आपकी एक दिन की सैलरी होगी ना, मतलब 31st क्या बता रहे हो, फिर से बोलो आप. हाँ सर, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो. सर बोल रहा था कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा सैलरी 31st अगस्त 2020 को 5000 है, तो वो स्टॉक कहलाएगा. कैसे सैलरी, आप किस बेसिस पे सैलरी निकाले हो? आपका जो उस दिन का जो सैलरी मिला है, तो उसके पहले आपने काम किया होगा ना पूरे दिन, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक. हाँ, तभी ना आपको 31 तारीख को सैलरी मिला, या आपको अचानक 31 तारीख को सैलरी मिल गया, मुझे बताइए ना. नहीं नहीं सर, काम किया तभी मिला. वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया, तो 1 से लेकर 30 तारीख क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम, तब ना आपको जाके सैलरी मिल रही है. आ रहा बस समझ. हाँ सर, वो सैलरी तो आपके पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड कर, आपने 30 दिन तक मेहनत किया तब जाकर आपको सैलरी मिला है. तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है वहाँ पे फ्लो हो गया ना. अच्छा, आप स्टॉक को पर वीक मेजर कर पाओगे? मैंने बोला मान लो 31 दिसंबर 2018 को मेरे बिजनेस में 10,000 यूनिट पड़ा है, आप मुझे बताओ उसको पर वीक आप मेजर कर पाओगे? पर वीक कितना मेरे पास स्टॉक था, मेजर कर पाओगे आप? हेलो, मेरा क्वेश्चन, पर मंथली आप स्टॉक मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, जहां पे मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते हो पीरियड ऑफ टाइम के बेस पे, तो वो हो गया स्टॉक. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक महीने में 50,000 रुपये कमाता हूँ, तो आप मेरी एक दिन की सैलरी निकाल दोगे ना, 50,000 / 30. हाँ. आप अगर मैं बोलूँ मेरी आप एनुअल सैलरी निकाल, तो आप मेरा निकाल पाओगे ना 50,000 × 12? हाँ. मैं बोलूँ मेरी पर वीक सैलरी निकालो, तो 50,000 × 4 कर दोगे. तो जहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम से कोई चीज निकाल सकते हो, मेजर कर सकते हो, वही तो आपका फ्लो हो गया. तभी तो मैं इतना देर से समझा रहा हूँ कि जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है वहाँ पे फ्लो होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है वहाँ पे स्टॉक होता है. आई होप समझ रहे हो आप. यस सर. ओके, आते हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे. यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉक इंडिकेट स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. स्टैटिक समझते हो ना, जो एकदम फिक्स है. स्टैटिक मतलब क्या, इस तारीख को इतना स्टॉक, मतलब फिक्स है ना.
और फ्लो वेरिएबल इंडिकेट डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. फ्लो मतलब क्या, डायनामिक मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा. अरे अभी मेरी सैलरी 30,000 है, एक साल बाद बढ़ के कुछ और हो जाएगी. मतलब डायनामिक, वो टाइम टू टाइम मेरी सैलरी क्या होगी, चेंज होती रहेगी. अब कुछ ना सर स्टॉक भी चेंज होगा. अरे तो स्टॉक तो चेंज होगा पर उसको मेजर भी तो नहीं कर पाओगे ना. जब भी आप मेजर करने जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा उसके पीछे. यहाँ पे देखो एक चीज, स्टॉक ऑफन, ऑफन मतलब तो ऑलवेज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लो, दैट इज हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल वुड लीड टू हायर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकॉनमी. सिंपल सी बात है, अगर आपके बिजनेस में स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है तो आपका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, और जिससे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बहुत ज्यादा आप सप्लाई करोगे, है ना. जा हायर स्टॉक, हायर प्रोडक्शन, हायर गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल सी बात है. फ्लो वेरिएबल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टॉक, दैट इज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ सेविंग पर ईयर वुड रिजल्ट इन हायर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर कैपिटल स्टॉक इन कंट्री. अगर आपका सेविंग्स ज्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके देश के कैपिटल भी क्या होगी, ज्यादा होगी. सिंपल सी बात है. तो स्टॉक हमेशा फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस, और फ्लो हमेशा स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है. कहने का मतलब ये, एनी प्रॉब्लम स्टॉक एंड फ्लो में, किसी को कुछ प्रॉब्लम है स्टॉक एंड फ्लो में? अरे पूछिए, अगर कुछ दिक्कत है पूछिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ. हेलो, किसी कुछ प्रॉब्लम है? सर कंसेंट जल्दी बोलिए, लेट. जे पॉइंट पाते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, इस पे बात. कंजम्पशन क्या होता है? बाय कंजम्पशन वी मीन सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट. जिस भी चीज से हमारे वांट सेटिस्फाई होती है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन. जिस भी चीज से हमारे वांट सेटिस्फाई होती है उसे क्या बोलते हैं? कंजम्पशन. इट इज बिकम, क्या लिखा हुआ, इट इज बिकम, we have want that we consume various goods and services. अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, कंजम्पशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जो चीज मैं खा रहा हूँ कंज्यूम करते हैं ना, बोलते मैं मिठाई कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं पानी कंज्यूम कर रहा हूँ. तो जो चीज आप खा रहे हो ना वो सिर्फ कंजम्पशन नहीं है, यूज करने को भी कंजम्पशन कहते हैं. आप मोबाइल यूज करते हो आप, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में खाने और यूज करने का मतलब कंजम्पशन होता है. मैंने बहुत स्टूडेंट को समझा, सर जो चीज यूज करते हो उसे कंजम्पशन नहीं बोलते. नहीं, जो चीज आप यूज, मोबाइल यूज करते हो, कार यूज करते हो, क्या नाम है, बहुत सारे एसेट्स आप यूज करते हो, तो वो भी क्या है, यूज करना भी कंजम्पशन होता है, और खाना पीना भी क्या होता है, कंजम्पशन होता है. बिकॉज आपको जूम ऐप से पढ़ाई करना है तो आपने मोबाइल यूज किया, तो आपको पढ़ना था आपने मोबाइल के थ्रू पढ़ लिया, यू आर सेटिस्फाई, दिस इज योर कंजम्पशन. आपको कुछ खाना था आपने कुछ खा लिया, यू आर सेटिस्फाइड, दिस इज योर कंजम्पशन. तो जिस भी चीज को खाने से या यूज करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वही आपका कंजम्पशन है. सर डेकोरेशन गुड्स को कंजम्पशन बोलेंगे? डेकोरेशन फॉर एग्जांपल दो सर, जैसे बर्थडे पार्टी हुआ तो मैं बैलून खरीदा और सजाने का सामान खरीदा, तो उसको कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे? अरे हाँ, तो बैलून वगैरह तो आप यूज नहीं कर रहे हो. अरे बैलून को फुलाकर फोड़ रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो उसको. अच्छा, आप बैलून लाए किस लिए थे? बैलून किस लिए लाए थे? सेलिब्रेट करने के लिए लाए थे ना. तो जब आपने सेलिब्रेट कर लिया, नाउ यू आर सेटिस्फाई. आपने केक लाया, आपने केक खा लिया, कट करके खा लिया, नाउ यू आर सेटिस्फाई, दिस इज योर कंजम्पशन. समझे? कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना ही पीना नहीं होता. कंजम्पशन का इकोनॉमिक्स में मैं, अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना, मैं जितना भी चीज बता रहा हूँ सारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो इकोनॉमिक्स में खाने पीने और यूज करने का मतलब होता है कंजम्पशन. यूज करने को भी कंजम्पशन बोलते हैं, खाने पीने को भी कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है. सेविंग क्या होता है? सेविंग तो आपको पता ही है, इनकम से खर्चा हटा दो, जो बच गया वही सेविंग है ना. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये तो पता ही है. सेविंग, अच्छा यहाँ पे ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सेविंग एंड नहीं होगा, यहाँ पे सेविंग्स होगा लास्ट वाला. देखो ना, सेविंग्स, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेविंग्स. तो सेविंग्स क्या होती है? सेविंग देखो ना, प्लूरल वर्ड है, सेविंग्स, लास्ट में एस लगा. तो सेविंग्स का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपने एक साल में 10,000 सेव किया, दूसरे साल में भी 10,000 सेव किया, तीसरे साल भी 10,000 सेव किया, तो टोटल 3 साल में आपने कितना सेव किया? 30,000. तो उस 30,000 को बोलेंगे सेविंग्स.
मतलब पास्ट ईयर में आपने कितना कितना सेव किया सबको ऐड कर दो। एक साल मान लो लास्ट ईयर 2017 में आपने 10,000 सेव किया, 2018 में 10,000 सेव किया, 2019 में 10,000 सेव किया, तो तीनों को ऐड कर दो कितना हो गया 30,000। तो उस 30,000 को बोलेंगे सेविंग्स। डेफिनेशन पढ़ लो ना, द सम टोटल ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्टेंड बाय एक्युमुलेटिंग द सेविंग ऑफ द पास्ट ईयर। मतलब पास्ट ईयर में जितने भी आपने फंड्स को सेव किया था सबको एक्युमुलेट कर दो, तो जो उसका टोटल आ जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट मींस एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। गाइस एक बार इन्वेस्टमेंट आप समझ लो, क्योंकि इन्वेस्ट इकोनॉमिक्स में इन बेसिक देखो इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार के होते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है, रियल इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। कम से कम आठ प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। बट इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ दो या तीन इन्वेस्टमेंट का मतलब है। पहला एक रियल इकोनॉमिक्स हमेशा रियल इन्वेस्टमेंट का महत्व है, आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का महत्व है, और आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का महत्व है। बाकी ये फाइनेंशियल, ये जितना मैंने बताया ना ग्रॉस नेट, ये सबका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट क्या होता है सुनो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने आम लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं कि मैंने रिलायंस का 10,000 का शेयर ले लिया, मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस कर लिया, तो हमने क्या बोलते हैं कि मैंने रिलायंस का 10,000 का शेयर लिया, मतलब ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने 50,000 रुपए का गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ले लिया, बॉन्ड ले लिया, ट्रेजरी बिल ले लिया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। नहीं भाई, ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि ऐसा खर्चा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स बोलता है ऐसा खर्चा जिसको खर्च करने से एक एसेट्स क्रिएट होता है। द एक्सपेंडिचर मेक्स एन एसेट्स, या ऐसा खर्चा जिससे एक कैपिटल क्रिएट होता है, एक एसेट्स क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप पढ़ेंगे कहीं पर, इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं एक एसेट्स बनाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने खर्च किया एक रोड बनाने के लिए, तो रोड क्या हो, गवर्नमेंट के लिए एसेट हुआ। गवर्नमेंट ने ब्रिज बनवाया, तो ब्रिज क्या एक एसेट्स है। गवर्नमेंट ने बसेस बनवाई, ट्रेन बनवाई, एरोप्लेन बनवाई, ये सब क्या एसेट्स है। आपने खर्च किया एक कार लिया, आपने खर्च किया इससे आपको कार मिला, तो आपका एक एसेट्स है। आपने खर्च करके एक मकान बनवाया, वो आपकी एसेट्स है। आपने खर्च करके एक एसी लिया, वो आपका क्या है, एसेट्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा खर्चा जिससे कोई एसेट्स क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, अगर हम लोग डायरेक्टली माने मींस दैट सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं अगर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता हूं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे अपना सेविंग्स से? नहीं, वो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। देखो क्या होता है ना, बता रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं। जैसे मैंने मान लो रिलायंस का 10,000 का शेयर लिया, ठीक है, शेयर का दाम थोड़ा सा बढ़ा, मैंने बेच दिया आपको, आपने भी शेयर ले लिया मान लो मेरे से 11,000 में, थोड़ा सा शेयर का दाम बढ़ा, आपने 12,000 में किसी और का बेच दिया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि पहले वो शेयर मेरे नाम पे था, अब वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, फिर आपने किसी और को बेच दिया, वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है ना। इससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, बताओ इकोनॉमी में, देश में कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है इससे? बट सर, अगर पहली बार कंपनी इश्यू करता है तब जाके अगर हम खरीदते हैं तब तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो कंपनी। तो जब कंपनी वो पैसा खर्च करेगी, कहीं पे लगाएगी, यही ना आपका कहना है सर। मान लो कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, तो मान लो मैंने 1,00,000 रुपए का शेयर लिया, तो वो 1,00,000 रुपया कंपनी को मिल गया, है ना। अब कंपनी क्या करेगी, उसको कहीं पे खर्च करेगी, यही ना आप बोलना चाहते हो? यस सर। तो वो मान लो कंपनी ने 1,00,000 रुपए का मशीन लाया, तो भाई साहब कंपनी ने अगर 1,00,000 रुपए का मशीन लाया तो कंपनी ने क्या किया, एक एसेट्स क्रिएट किया ना। तो वो कंपनी के लिए, वो इकोनॉमी में एक एसेट्स क्रिएट कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल एसेट्स, वो रियल इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे कंपनी ने उस पैसे को यूज किया, वो हो गया रियल इन्वेस्टमेंट। आ रहा बस समझे? वो पैसा तो यूज हो गया ना, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, आपसे पैसा लगी, वो पैसा क्या करेगी, खर्च करेगी, और खर्च करके एक एसेट्स क्रिएट करेगी, या वो पैसा हो सकता है कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में देती। तो वो डिपेंड करता है ना कि कंपनी ने पैसा लिया क्या किया, पैसे का क्या किया।
अगर उसने कहीं पे खर्च कर दिया होगा और उससे एक एसेट्स बना होगा तब तो वो रियल इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। हो सकता है कंपनी आपसे लोन ली शेयर के थ्रू, वो पैसा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में दे दिया हो गया, तो आपने मान लो कंपनी का सैलरी के रूप में दे दिया तो क्या उससे एसेट्स बना, देश में कोई एसेट्स क्रिएट हुआ? नो सर। तब वही बात है ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि आपने जो कंपनी को पैसा दिया अब वो कंपनी उसका क्या कर रही है। अगर उसने एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए खर्च किया होगा तब तो वो कंपनी का कंजम्पशन हो गया, लेकिन अगर उसने कुछ एसेट्स क्रिएट किया होगा उस पैसे का तब तो वो रियल इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन उठ रहा कंपनी के लिए नहीं, कंपनी ने क्या किया वो तो कंपनी को पता है, लेकिन क्वेश्चन उठ रहा आपके लिए, वो आपके लिए क्या है? आपके लिए वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। क्यों फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि आपने 1,00,000 रुपए का शेयर लिया, कल को थोड़ा शेयर का दाम बढ़ेगा आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जिसको भी ट्रांसफर किया उसने उसको मान लो आपने 1,20,000 में ट्रांसफर किया फॉर एग्जांपल, अब वो जैसे शेयर का दाम 1.5 लाख हुआ होगा उसने 1.5 लाख में किसी और को बेच दिया होगा, है ना, फिर वो किसी ने मान लो उसे 2 लाख में खरीदा होगा तो उसको भी थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिला होगा उसने कहीं बेच दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, शेयर तो ट्रांसफर हो रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इससे कोई एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में, कोई रोड नहीं बन रहे, कोई घर नहीं लिया जा रहा, कोई कार नहीं लिया जा रहा है, आ रहा समय? ये हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इकोनॉमिक्स बोलता है भैया ऐसा खर्चा जहां पे खर्च करते हो और देश में एक एसेट्स बनता हो, देश में एक कैपिटल बनता हो, उसी इन्वेस्टमेंट को हम मानेंगे। और प्रोफेसर केन्स तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पूरे खिलाफ थे, क्योंकि आप केन्सन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो तो केन्सन इकोनॉमिक्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही सारी सारी रियल इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब आपने खर्च किया तो वहां पे एक एसेट्स क्रिएट हुआ ही हुआ है, देश में जीडीपी बढ़ी है, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, दिस इज द फाइनेंशियल रियल इन्वेस्टमेंट, नॉट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए आपको मैं जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि शेयर डिबेंचर बॉन्ड ट्रेजरी बिल में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना ये आपका नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। अगर सुनो, अगर आपने 10,000 रुपया किसी कंपनी का शेयर ले लिया ना तो वो 10,000 आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर बॉन्ड इन सबसे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही है, इसलिए वो आपका नेशनल इनकम पार्ट नहीं हो रहा। वो मैं समझाऊंगा नेशनल इनकम जब पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से वहां पे समझाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम अभी यहाँ पे? नो सर। हाँ, बस इतना आप ध्यान में रखिए कि बॉन्ड शेयर में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसके बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और ये इससे कोई देश में जीडीपी वगैरह नहीं बढ़ती है, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता, इसलिए इकोनॉमिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? रियल इन्वेस्टमेंट मींस एन इंक्रीज इन द रियल कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे देश में एसेट्स क्रिएट हो रहा है, स्टॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देख लो, एडिशन टू स्टॉक ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन पहले आपकी 10 थी अब 15 हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, पावर जनरेटिंग स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन जनरेट हो रहे हैं, पावर मतलब वही हमारा ये क्या बोलते हैं पावर जनरेटिंग, समझ रहे ना, बांध वाला का इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बन रहे हैं, रेलवे इंजन बन रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बन रही है, रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है, आपने कार ले लिया, दिस आर रियल इन्वेस्टमेंट। क्यों मैं एक समझा रहा हूँ क्यों इसको रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाओ। देखो, अगर मान लो आप घर बना रहे हो, घर बनाना इज अ रियल इन्वेस्टमेंट। क्यों रियल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि घर बनाने के लिए आपको कैपिटल लगाना होगा, पूंजी लगाना होगा, 10,00,000, 20,00,000, 25,00,000 जो भी पूंजी लगाना होगा। पहली बात, घर तो ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए लेबर लगेंगे। कुछ बोलना किसी को? ओके, घर बनाने के लिए आपको पैसा लगाना होगा, मतलब कैपिटल लगाना होगा, पूंजी लगाना हो, लेबर लगाना होगा, ठीक है, लैंड का यूज करना होगा, एंटरप्रेन्योर स्किल, मतलब इंजीनियर, और आपको घर बनाना तो आपका भी स्किल वहाँ मैटर करता है ना, कि मेरे को कौन सा डिजाइन चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ पे मेरा बाथरूम होगा, कहाँ पे मेरा घर द्वार सब मेंटेन करना होगा, कहाँ पे मेरी पार्किंग वगैरह होगी, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर स्किल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप मुझे बताइए, आपने 20,00,000 रुपए का घर बनवाया तो उस 20,00,000 में एक एसेट्स क्रिएट हुआ। कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि उस 20,00,000 रुपए में देश में एक प्रोडक्शन हुआ। कैसे? आपने बालू सीमेंट सरिया वाले कुछ पैसा दिया होगा, आपने लेबर को लेबर इंजीनियर को कुछ पैसा दिया होगा,
आपने जितने टाइल्स मार्बल ये सब आपने घर में लगवाया होगा उसका पैसा दिया हुआ, जितने आपने एसी इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग वगैरह कनेक्शन करवाया होगा, डोर वगैरह बनाया होगा, बेड वगैरह बनवाया होगा, ये सब खर्च किया होगा ना, तो ये सारा पैसा आप देश के अंदर ही तो खर्च कर रहे हैं। तो जिसको जिसको पैसा मिला होगा उसकी इनकम हो गई और आपने खर्च किया वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आ रहा बात समझ ना? तो अब आपने मान लो देश को 20 लाख रुपया दिया, उस 20 लाख रुपये में कौन कौन है? इंजीनियर भी है, कारपेंटर भी है, टाइल्स वाला भी है, बालू सीमेंट सरिया वाला भी है, राजमिस्त्री वाला भी है, सब लोग आके 20 लाख में से। तो जिसकी जिसकी भी इनकम हुई है वो भी तो पैसा क्या करेगा, बैंक थोड़ी डालेगा, वो भी तो खर्च करेगा ना, इससे मनी सर्कुलेट हो रही कि नहीं हो रही है। तो पहले आपने खर्च किया, अब वो खर्च करेंगे, उनसे जो पैसा पाएगा अब वो खर्च करेगा। तो इससे क्या हो रहा, धीरे धीरे प्रोडक्शन देश में बढ़ रहा है ना, देश में एसेट्स बढ़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। ये अभी आप जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे आपका धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा कंसेप्ट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस परचेज ऑफ शेयर। वही जो मैंने बोला ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ शेयर डिबेंचर ऑफ ए कंपनी, व्हेन एनी इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज अ न्यू शेयर, और डिबेंचर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी का आपने शेयर ले लिया, किसी भी कंपनी का आपने डिबेंचर ले लिया, वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नॉट ऑन दिस चैप्टर। एक्चुअली क्या ना, पहले इस चैप्टर से भी 2 मार्क्स आते थे जो आपका पुराना सिलेबस था, तो अभी नहीं आते 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है? तो वो आपका नेशनल इनकम का पार्ट है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो नेशनल इनकम के लिए होगा, तब मैं वहाँ पे समझाऊंगा नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है? नेशनल इनकम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? तो वो सब आपका नेशनल इनकम का पार्ट है, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो एक बार मैं रिविजन क्विक रिविजन करा देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो देखो, माइक्रो का मतलब वही स्मॉल, और माइक्रो मतलब क्या हो गया, लार्ज, ठीक है? जैसे एक इंसान की बात की हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारे इंसान सारे लोगों की बात करोगे तो माइक्रो, एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात करोगे तो माइक्रो, सारे बिजनेस की बात करोगे तो माइक्रो, है ना? नेक्स्ट क्लास आपका वो सर डिसाइड करेंगे, क्या नाम है, भलोटिया सर डिसाइड करेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है? इकोनॉमिक गुड्स वही ना, ऐसा गुड्स जो लिमिटेड इन नेचर हो, जिसकी कुछ प्राइस हो और जो इजिली अवेलेबल नहीं हो, उसे इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। जो गुड्स इजिली अवेलेबल हो, जिसके लिए कुछ हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता, वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गया, है ना? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होता है? ऐसा सर्विसेज जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता हो, इकोनॉमिक सर्विसेज। ऐसा सर्विसेज जिसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता, नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर जो फाइनली कंज्यूम कर लेता है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बताऊंगा। कैपिटल गुड्स आपको पता है, जो ड्यूरेबल गुड्स जैसे मशीन वगैरह दिया जाता है, कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कहता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पर्पज के लिए जितने भी गुड्स यूज किए जाते हैं, दिस इज द प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है? स्टॉक एंड फ्लो के बारे में जैसे समझाया था, स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। बुक सेल में कितने बुक हैं अभी के डेट में, दैट इज स्टॉक। इनकम क्या है आपका? फ्लो। कंजम्पशन आपको पता है, किसी भी चीज को यूज करने से, जो हमें कंज्यूम करने से या यूज करने जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे कंजम्पशन बोलते हैं। सेविंग क्या होता है? एक्सपेंडिचर। इनकम से आपने एक्सपेंडिचर घटा दिया, वो सेविंग हो गया। सेविंग्स क्या होता है? पास्ट में एक साल में आपने 10,000 सेव किया, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000, तो 3 साल में टोटल आपने 30,000 सेव किया, दैट इज योर सेविंग्स। मतलब पास्ट ईयर में आपने जितना पैसा सेव किया सबको ऐड कर दोगे, दैट इज योर सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा खर्चा जिससे कोई एसेट्स क्रिएट होता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है ऐसा खर्चा जिससे इन्वेस्टमेंट, ऐसा खर्चा जिससे एसेट्स बनते हैं, और वो एसेट्स देश में इनकम बढ़ाने काम करते हैं, जीडीपी बढ़ाने काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं घर बनवा रहा हूं, तो जब मैं घर बना रहा हूं तो मैं इंजीनियर को हायर करूंगा, बालू सीमेंट सरिया रहूंगा, टाइल्स वाले को लाऊंगा, राजमिस्त्री को लाऊंगा, ये नल मिस्त्री लाऊंगा, ये सब क्या, मैंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया ना, मैं लोगों को पैसा दे रहा हूँ ना, इससे देश की इनकम बढ़ रही है, देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप जस्ट फाइनेंशियली थ्रू काम, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर ले लिया, किसी कंपनी का डिबेंचर ले लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. थैंक यू सो मच. कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो. सर एक डाउट है सर. हां पूछो. हेलो. हां पूछो पूछो. सर पूछ लो ना सर, वो स्टॉक और फ्लो में थोड़ा सर सब थोड़ा समझा दीजिए सर, अभी भी डाउट चल रहा है दिमाग में बहुत सारा. हां पूछो ना क्या डाउट चल रहा है. अरे आप सर पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज जो हम लोग ने 12 में पढ़ा था, मान लीजिए सर ने हमें एक एग्जांपल दिया था, वो जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में अगर पानी पूरा भर जाता है तो उससे स्टॉक ये कहेंगे फ्लो, और जो पानी जहाँ से पानी जो उसके अंदर घुस रहा है तो उससे हम लोग स्टॉक कहेंगे. अब आप कौन बताया था, आपके सर बताए थे ये चीज? हाँ सर मेरे को याद नहीं आ रहा बट ठीक से, बट ऐसे ही कुछ था सर. वो क्या बताए थे, अब वो क्या बताए थे, हम तो सुनने नहीं आए थे और आप अच्छे से बता भी नहीं पा रहे. हाँ सर समझ में. अच्छा सर फिर भी आप थोड़ा सा मेरे को और एक और एग्जांपल से समझा. मैं एक बता रहा हूँ आपका एक बिजनेस है ना. हेलो. मान लो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, तो आप अब आपका साल खत्म हो गया, तो आप अपना स्टॉक तो गिनोगे ना, आपके कितने मशीन पड़े हुए हैं, आपके बिजनेस में कितने मशीन पड़े हुए हैं, आप तो काउंट तो करोगे, क्योंकि हो सकता है साल में कुछ मशीन आपके खराब हो गए होंगे, या आपने प्रोडक्शन किया तो उसमें से कितना बिक गया, कितना बचा हुआ, कुछ तो काउंट करोगे ना, तभी तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे ना आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है. तो आपने बैलेंस शीट में देखा होगा जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो वहाँ पर डेट लिखा रहता है एज ऑन 31 दिसंबर 2018 या 31 मार्च 2019, ऐसे लिखा एज ऑन. एज ऑन का मतलब होता है इसी डेट को मैंने स्टॉक गिना था. एज ऑन का समझते हो ना, ये स्टॉक उसी डेट का है. तो जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रहा है कि इस टाइम पर कितना स्टॉक है, आ रहा बस समझ में? हाँ सर. तो जब भी एक टाइम पर, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर कितना स्टॉक है, कितना यूनिट बचा है, वही हो गया स्टॉक कंसेप्ट. आप अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सैलरी को पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस कर पाओगे? मैंने बोला कि मेरी सैलरी 31 दिसंबर 2018 को 10,000 रुपए है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? 31 दिसंबर 2018 को मेरी 10,000 की सैलरी, इसका मतलब आप क्या समझते हो? कि आपने एक दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक मेहनत किया होगा, तभी तो आपको 31 दिसंबर की सैलरी मिली है. ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी कंपनी में सिर्फ एक दिन के लिए एम्प्लॉय बनते हैं, ऐसा होता है क्या? हेलो. हाँ नहीं ना. तो इनकम को फ्लो इसलिए पता चलता है क्योंकि इनकम का जो मेजरमेंट है ना वो पीरियड ऑफ टाइम पे होता है. वो आपने पूरे 30 दिन आपने काम किया तब जाकर आपको एक सैलरी मिल रही है. तो उस सैलरी को आप पर डे के हिसाब से भी निकाल सकते हो, पर वीक के हिसाब से भी निकाल सकते हो, 15 दिन के हिसाब से भी निकाल सकते हो कि हाफ महीने की आपकी सैलरी क्या है, पर एनुअली भी निकाल सकते हो. पर स्टॉक को तो आप ईयर वगैरह में तो नहीं निकाल सकते हो, मंथली तो नहीं निकाल सकते हो ना, क्योंकि स्टॉक को तो आप बताओगे इस टाइम पे मेरे दुकान में इतना स्टॉक पड़ा है, इस टाइम पे मेरे बुक सेल में इतना बुक पड़ी हुई है. तो एक टाइम पर जो आप मेजरमेंट करते हो, किसी एक टाइम पे जो आप मेजरमेंट करते हो वो स्टॉक्स होता है. जहाँ जो मेजरमेंट आप पीरियड ऑफ टाइम पे करते हो, लेंथ ऑफ टाइम पे करते हो, वो आपका फ्लो होता है. अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं ये टॉपिक को फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज एक हाँ बोलिए. आवाज नहीं आ रहा था, क्लियर बोल रहा हूँ कि ये जो हेलो. हाँ आवाज आ रहा है सर. हाँ हाँ अभी आ रहा है. हेलो. हेलो. हाँ आ रहा है, बोलिए बोलिए. हाँ बोल रहा हूँ कि स्टॉक का अलग से देगा तो वेस्टर्न की प्रेफरेंस. आवाज नहीं आ रहा आपका. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, रुकिए. हाँ 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 अभी क्लियर आ रहा था, बोलिए बोलिए. हाँ सर बोल रहा हूँ कि स्टॉक और डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में तो कितना मार्क्स आएगा? ओनली फॉर टू मार्क्स. ये चैप्टर में सिर्फ 2 नंबर का डेफिनेशन या डिफरेंस टाइप. हाँ ये जितना भी आप पढ़े हो ना सब 2 मार्क्स के लिए पूछेगा. ठीक है गाइस क्लास ऑफ करते हैं. कुछ भी फिर वो माइक्रो. हाँ सब 2 मार्क्स. माइक्रो सब 2 मार्क्स. डिफरेंस में भी क्या? हाँ
हेलो हाँ वो डिफरेंस भी 2 मार्क्स का ही रहेगा। अच्छा ये पीडीएफ मैं सर को भेज दूंगा, सर आप लोग को भेज देंगे ठीक है। और ये पीडीएफ आप लोग वो करवा लेना, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा पीडीएफ का, और नोट्स है आपका, ये पूरा नोट्स है, पूरा चैप्टर का नोट्स है, मेरा नोट्स है, अभिषेक पांडे नाम मेरा ठीक है। अब आपका फिर नेशनल, मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके गाइस थैंक यू, थैंक यू सर, ओके सर, बाय सर।